नमस्कार, आप सुन रहे हैं मेरे यानी बांसुरी को रेडियो उड़ान पर। शो का नाम स्वाद सुर और जिंदगी, जहां आपकी जिंदगी को हम देंगे एक स्वादिष्ट सुर का तड़का। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये मुलाकात करके। आपको मालूम है अगले आने वाले एक घंटे यूं ही बनी रहूंगी मैं आपके साथ। बहुत कुछ होगा हमारे शो पर, बहुत कुछ जानेंगे पहचानेंगे आप। आपको लेकर जाऊंगी एक स्वाद के सफर पर, जहां बताऊंगी आपको कि आपके शहर में ऐसा क्या फेमस है जहां आप जाकर अपना पेट भरकर आ सकते हैं। खाने की इतनी सारी बातें इसलिए होगी क्योंकि मुझे ना खाना बहुत पसंद है, एंड आई एम श्योर आपको भी होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर जितना भी खाने को लेकर ज्ञान भरा हुआ है ना, वो मैं सारा का सारा आपके साथ शेयर कर दूँ। मगर इसके अलावा सुर का भी तड़का लगेगा हमारे सेगमेंट मेट्रो रेट्रो पर, जहाँ मेट्रो के म्यूजिक का मजा मिलेगा रेट्रो के रात के संग। तो आप बने रहिए हमारे साथ, शुरू करेंगे हमारा शो इस गाने के साथ, लेटेस्ट रिलीज कलंक का ये गाना फर्स्ट क्लास। आपके लिए ये रहा। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जवाली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे तो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जवाली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।
बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ, बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। तारे गिन गिन दिन को रात, रात को दिन कर रही हूँ, तू पूछ नहीं हाल फकीराना, कुछ नहीं यो हाल फकीराना, कुछ नहीं यो हाल फकीराना, अज माही मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तक से। ये गाना फकीरा सनम की सुरीली आवाज और नीति मोहन के सुर का तड़का जब लगता है ना, तब कुछ ऐसा ही होता है, दिल झूम जाता है।
आप सुन रहे हैं स्वाद सुर और जिंदगी रेडियो उड़ान पर। और जैसा कि मैंने कहा था, अपने अंदर के फूड लवर को मैं आपके सामने पेश कर दूंगी। तो जी हाँ, ये रही मैं। अभी जैसे रमजान का समय है, तो यूं ही एक शाम मैं पुरानी दिल्ली के सफर पर निकल गई। छोटे छोटे गलियों में टहलते टहलते मेरी नजर पड़ी एक ऐसे दुकान पर जहाँ एक बहुत ही मजेदार सी चीज पक रही थी। मैं रुक गई। एक बहुत ही बड़े बर्तन में ये चीज पक रही थी ना, तो सच में मुझसे ना रुका नहीं जा रहा था। उस चीज का नाम था शाही टुकड़ा। अगर आप दिल्ली से हैं और मेरी तरह खाने पीने का शौक रखते हैं, तो शाही टुकड़े से आप बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ होंगे। वैसे अगर आप दिल्ली के अलावा कहीं और से हैं, या लखनऊ या हैदराबाद से हैं, तो भी वहां पर ये खूब बिकता है। अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना, तो मैं बता देती हूँ। ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में कर उसे घी और मीठी चाशनी में डुबोकर अच्छे से पकाया जाता है। ऊपर से थोड़ा कंडेंस मिल्क भी डाल देते हैं और गर्मा गर्म एक प्लेट में सर्व किया जाता है। कहते हैं ये 400 साल पुरानी मुगल रेसिपी है, जो आज भी गली कूचों में बिकती है। इसे आप आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं। मैंगो आइसक्रीम के साथ जरूर खाइएगा, मैं सजेस्ट कर रही हूँ। तो अगली बार आप पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद जाएं, तो सामने गली होगी मटिया महल के नाम से। वहाँ 6-7 दुकानें छोड़ एक दुकान होगी, वहाँ आपको ये पकता हुआ नजर आ जाएगा। और इसे खाते हुए ना मुझे जरूर याद करिएगा, अच्छा लगेगा। सुनते रहिए मुझे यानी बांसुरी को रेडियो उड़ान पर।
चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम। खुशहाली हो उसके बिना सब खाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम।
एक गरम चाय पिलाने वाली कोई हो ना हो, अपना तो गरम चाय से भी काम चल जाता है। आप सुन रहे हैं मेरे यानी बांसुरी को रेडियो उड़ान पर, और मेरे ख्याल में चाय का कोई सही समय नहीं होता। आप मानते हैं ये बात कि नहीं? चाय जब भी मिल जाए तो बात बन जाए, है ना? पर क्या आपको मालूम है चाय की शुरुआत एग्जैक्टली कहाँ से हुई थी? बहुत से लोगों ने सालों से चाय के ओरिजिन पर बड़ी सारी कहानियां सुनी और सुनाई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बहुत सालों पहले एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने टी लीव्स को डिस्कवर किया था जब वो चाइना के अपने सफर पर निकले हुए थे। वापस लौटते समय वे वही पत्तों को इंडिया लेकर आ गए। एक और कहानी ऐसी है जो बताती है, एक चाइनीज एम्परर, चाइनीज राजा ने पहली बार कुछ पत्तों को अपने गर्म पानी के घड़े में उबलते हुए देखा था। उन्होंने उसी उबलते पानी को एक कप या उस समय जो भी सॉसर बनते थे उस पानी को उसमें डाला और उसको टेस्ट किया, जिसका स्वाद उन्हें बहुत लुभा गया। इस तरह से चाय को एक चाइनीज डिस्कवरी भी कहा जाता है, जो बाद में इंडिया में लाया गया। कुछ लोग इनफैक्ट ये मानते हैं कि संजीवनी बूटी इस दुनिया की सबसे पहली चाय थी। तो चाय को लेकर हमारी हिस्ट्री शायद ही खत्म हो। एक्चुअली उस समय बाकी देशों के लिए ये फैक्ट थोड़ा सरप्राइजिंग था कि एशियन कंट्रीज में जंगली पत्तों को उबालकर एक ड्रिंक बनाया जा रहा है, जो न सिर्फ हमें फ्रेश करता है मगर कुछ बीमारियों से भी फ्री कर देता है। है ना अजब गजब बात? और आज देखिए, इंडिया टी कल्टीवेशन के लिए दुनिया में दूसरे नंबर पर स्टैंड करता है। पहले चाइना सिर्फ पानी और टी लीव्स को उबालकर बनाई जाती थी, जिसे कुछ जगहों पर काढ़ा भी कहा जाता था। असम में इसकी खेती भारी मात्रा में होने लगी। धीरे धीरे चाय को दूध के साथ बनाया जाने लगा, और ये सब शुरू तब हुआ जब गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल से कुछ यात्रियों ने इसका सुझाव दिया। और आज देखिए, हर गली हर नुक्कड़ पर हमें इतिहास के वो प्रमाण नजर आते हैं। कितनी सारी वैरायटी आ गई है यार चाय की, पूरे भारत देश में मशहूर है वो सब। चाहे वो मुंबई की कटिंग चाय हो या हैदराबाद की ईरानी चाय, गुजरात की मसाला चाय हो या कश्मीरी चाय, लोग दूसरे देशों से आते हैं हमारी चाय का मजा चखने। अब इतनी सारी चाय की बातें हो जाए तो चाय तो पीना बनता है। नहीं, आप जाइए ये गाना सुनिए, मैं जरा अपने इतिहास की एक चुस्की मार के आती हूँ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान।
line. They can't believe a girl as cute as me is sick with the rhyme. But I'm dope, don't ask nobody for nothing. I'm an independent diva with a style that you love. So check it. रेडियो उड़ान पर शो चल रहा है हमारा स्वाद सुर और जिंदगी। बांसुरी नाम है मेरा और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त। स्वाद की तो खूब सारी बातें चल ही रही हैं और साथ साथ सुर भी लग रहे हैं, तो अब थोड़ी जिंदगी के मजे चख लें। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना इसे, ठीक है? कितने लोग ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट मतलब कहीं से भी कुछ कम या कुछ ज्यादा नहीं है, जो है वो उसी में खुश है और उनके अकॉर्डिंग उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है। गौर फरमाओ इस बात पे, सोचो सोचो क्या आया दिमाग में। यही ना कि अरे यार ऐसा कौन है जिसकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम परफेक्ट किसकी लाइफ होती है। हाँ यही तो सोचा होगा आपने। मगर अब सुनो, मैं अपना सवाल ना दोबारा रिपीट करूंगी और इस बार बिल्कुल ध्यान से सुनना, अपने कान को ना थोड़ा पास मिलाओ। जी या एग्जैक्टली वैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि कितने लोग सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट है। तो बताओ आप, एक सिंपल सा लॉजिक है, लाइफ शायद ही किसी की परफेक्ट हो, मगर सोचने का राइट ना हर किसी को है। और जब तक हम इस बारे में सोचेंगे नहीं तो उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कैसे करेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसे। जब तक हम किसी चीज को सोच के अपने दिमाग में नहीं लेकर आते ना, तब तक शायद हम उसे अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ सकते। तो कुछ अच्छा सोचना शुरू करें। और वैसे भी सोचने में क्या जाता है, पैसे लगते हैं क्या? ट्राई करके देखिए, जो आपको चाहिए ना उसको सोचने लगो। ऐसा समझ लो कि बस वो आपके पास ना आ गई है, बस एक सोच दूर है वो आपसे। देखना कैसे वो कंप्लीट होती है। अगर फिर भी नहीं बन पा रहा सोचना ना, तो ये गाना आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा। डियर जिंदगी से लव यू जिंदगी, अमित त्रिवेदी का कॉम्पोजिशन और जसलीन रोयाल की आवाज, मेरा फेवरेट। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल ने आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी।
मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो आने दो, दिल में आ जाने दो, के दो मुस्कुराहट को, हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, के दो वो घुराहट को, बाय 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 बाय। रेडियो उड़ान पर आप है मेरे यानी बांसुरी के साथ और शुरू हो चुका है मेट्रो रेट्रो, जहां मेट्रो के माहौल में मिलेगा रेट्रो का रंग। अब नाम और मेरे खूबसूरत डिस्क्रिप्शन से आप समझ ही गए होंगे आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं बजाऊंगी आपके लिए आप ही की पसंद के कुछ ऐसे गाने जो बरसों से आपके दिलों में घर कर बैठे हैं। आपको ले चलूंगी मैं किशोरदार, आरडी बर्मन, मुकेश, मन्ना डे के दौर में, जहां गाने रिमिक्स नहीं होते थे मगर रिझाने का काम बहुत ही खूबी से करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गाना जो आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म कटी पतंग का, राजेश खन्ना और आशा पारेख मुख्य भूमिका में।
किशोर कुमार की सुरीली दोबारा बोलती हूँ सुरीली आवाज, पंचम दा उर्फ आर डी बर्मन इनके म्यूजिक डायरेक्टर और आनंद बख्शी के बोल, इससे ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन और कहाँ हो सकता है। मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, जैसे कोई खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई, तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर दिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ओह हो आ हा हा
के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाए दीवाना हुआ बादल तकदीर ना थी तुम सा जो कोई महबूब मिले दिल आज खुशी से पागल है दिल आज खुशी से पागल है ए जान वफा तुम खूब मिले ए जान वफा तुम खूब मिले दिल क्यों न बने पागल क्या तुमने अदा पाई ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाए दीवाना हुआ बादल शम्मी कपूर और शर्मिला जी की जोड़ी के अलावा अगर कुछ और खूबसूरत है इस मूवी में तो वो है ये गाना। ऑफ कोर्स कश्मीर तो है ही,
मगर इस गाने से इसकी खूबसूरती शायद और बढ़ जाती है। आपको पता है मैं एक 90s किड हूँ, मतलब मेरा 90 के दशक में जन्म हुआ है, मगर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा होगा मेरी जिंदगी में जिसमें मैंने इस गाने को ना सुना हो। जिस हिसाब से ओपी नैयर जी ने बिहारी साहब के बोल को अपने धुन में ढाया है ना भाई, कमाल। बना के दिखाओ ऐसा एक और गाना, ओपन चैलेंज है। वैसे आपको बता दूं, शर्मिला टैगोर की ये डेब्यू फिल्म थी कश्मीर की कली, और जानते हैं वो सिर्फ 14 बरस की थी जब उन्होंने इस मूवी को साइन करा। ऐसे ही कई फिल्मी किस्से हर हफ्ते लेकर आएंगे हम आपके लिए हमारे सेगमेंट मेट्रो रेट्रो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो उड़ान पर।
रेडियो उड़ान पर आप है मेरे यानी बांसुरी के साथ। शो चल रहा है हमारा स्वाद सुर और जिंदगी। और आजकल ये क्या क्या आइटम्स आ रहे हैं यार खाने पीने के, मतलब इनोवेशन के नाम पर कुछ भी बन रहा है। अभी जब मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव थी और चेक कर रही थी कुछ ऐसे ही, तो एक आइटम पर मेरी नजर पड़ी और उसका नाम था न्यूटेला डोसा। अब न्यूटेला तो आप जानते ही होंगे, चॉकलेट स्प्रेड है एक तरीके का, और डोसे से कौन वाकिफ नहीं है, मोस्ट फेमस साउथ इंडियन फूड है भाई। मगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे कुछ जमा नहीं। अब न्यूटेला गुलाब जामुन तक तो ठीक था, मगर न्यूटेला डोसा नहीं यार, इतना नहीं। आपका क्या कहना है इस पे? वैसे गुलाब जामुन की बात हुई है तो बता दूं, आप अपनी जिंदगी में एक दफा मावा गुलाब जामुन जरूर ट्राई कीजिएगा, और मावा जलेबी भी। अरे यार इसके तो क्या ही कहने, नॉर्मल जलेबी होती है ना वो ऑरेंज होती है कलर में, मगर इसका कलर ब्लैक होता है। खोए और अरारोट को मिक्स करके इसको देर तक तेल में तला जाता है, इससे इसका कैरमलाइज टेक्सचर फॉर्म हो जाता है। बाद में इसे चाशनी में गर्मा गर्म डाला जाता है और स्वाद जो आएगा ना आपको, वैसे अगर आप मुंबई दिल्ली या मध्य प्रदेश से हैं तो बहुत ही आसानी से आपको ये वहां मिल जाएगा। देखिए ना, देश के कोने कोने से मैं आपको आपके स्वाद को बढ़ाने का सुझाव लेकर दे रही हूँ, तो प्लीज हाँ ट्राई जरूर करके आना। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान मेरे यानी बासर के साथ हमारे शो स्वाद सुर और जिंदगी पर। स्वाद की ढेर सारी बातें तो आज मैंने आपसे करी ही हैं, मगर आपको अपनी जिंदगी को स्वादिष्ट बनाना हो ना तो मेरी इस रेसिपी को जरूर याद रखिएगा। रोज अपनी हर हरकत में एक स्माइल जरूर मिलाइएगा।
देखना आपकी जिंदगी का स्वाद किस कदर बढ़ जाएगा। आज के लिए वैसे बस इतना ही। आई होप आपको हमारा शो पसंद आया हो। आप हमें सुनते हैं, सराहते हैं, तभी हमारा दिन बन पाता है। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते ठीक इसी दिन। गर्मी काफी बढ़ रही है तो पानी पीना ना भूलिएगा। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान। बाय बाय।